जैसा कि आज का हमारा जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा जो उप विषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम में जो वसंत भाग 3 है, इसमें से जो 5वां अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह के द्वारा रचित ये रचना है। इन्होंने एक ही रचना लिखी थी और वो भी क्या थी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो अरविंद कुमार जी का साहित्यिक परिचय जान लेते हैं एक बार। अरविंद कुमार आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी को एक नवीन दिशा और दशा देने का काम किया है। लेखक ने अपनी रचनाओं में अनेक घटनाओं का प्रभावशाली चित्रण करते हुए वर्णनात्मक शैली को भी अपनाया। राजन सर, ऐसे बच्चों को रिमूव कर दो क्लास से, कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों को, कोई भी हो इन्हें क्लास से हटा दो और आगे इसको ज्वाइन मत करना, हटा दीजिएगा इसको। लेखक ने अपनी रचनाओं में अनेक घटनाओं का प्रभावशाली चित्रण करते हुए वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। इन्होंने अपनी भाषा को सूक्तियों से सजाया है और इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन और धर्म की महत्वपूर्णता पर भी बल दिया है। इनकी गद्य भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इनके द्वारा एक ही रचना है, वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इस अध्याय का सारांश जान लीजिएगा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी होती है अनोखी, अनूठी क्या होता है अनोखी, और चिट्ठियां यानी कि पत्र, ठीक है। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। ये किस विधा के रूप में हमारे समक्ष, ये है निबंध के रूप में, चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया नामक अध्याय है ये निबंध के रूप में हमारे समक्ष है, निबंध के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया है और निबंध की भाषा भी सहज और प्रभावपूर्ण रखी है लेखक ने। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करता है और जो नजदीक व्यक्ति होता है वो नजदीक के व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान भी किया जाता है, परंतु जिसके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और लेकिन जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्तियों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पत्र या चिट्ठी, ठीक है। तो पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब होती है, इसकी उपयोगिता हमेशा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS कहां दे सकता है। दुनिया का सारा साहित्यिक पत्रों पर ही आधारित होता है और पत्रों का अभाव पूरे विश्व में एक सा होता है, भले उसका स्वरूप अलग अलग क्यों ना हो। पत्रों के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में इसे कागद बोलते हैं, तेलुगु में इसे उत्तरम बोलते हैं, उत्तरम जाबू, और लेख तमिल में इसे कड़िद कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा आपका कि पत्र को अलग अलग कौन से नाम है, पत्र के अलग अलग नाम क्या क्या है, ये आप बता सकते हो, या पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, एक अंक में भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेगा, तो इस तरह से पत्र यादों को सहज कर रखते हैं और भारत में हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक द्वारा भेजी जाती है, 4.5 करोड़। अब तो और भी ज्यादा जनसंख्या और इसकी जो संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चलेगा कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें कभी पत्रों के लिए कोई उत्सुक न रहा हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि सैनिकों के पास तो जो संदेश होता है, आजकल तो ये मोबाइल फोन हो गए, इंटरनेट इनके माध्यम से ही हम जो सैनिक है एक दूसरे से बातचीत कर सकते, परिवार के सदस्य। लेकिन पहले
ज्यादातर चिट्ठी आते थे, आपने शायद बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो उसमें ये सभी कुछ दिखाया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में या नाटक आपके समक्ष आते हैं टीवी पर, तो उसमें हम देखते हैं ये सभी बातें, इस तरह की घटनाएं। तो इस तरह से आज देश में कई लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर सुरक्षित रखते हैं, जो सुरक्षित रखते हैं अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को भी। आज भी ऐसे ऐसे व्यक्ति आज भी संसार में आपको मिलेंगे। और इस तरह से बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्योगपति, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय होती है। नेहरू के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाते। और इसी तरह से सभी मानव हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। और इस तरह संसार के सभी संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का एक अनूठा संकलन भी है। अनूठा संकलन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जानी मानी हस्तियां हैं, उनके जो उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखे हैं, वो पत्र आज भी आपको ज्यों के त्यों मिलेंगे सुरक्षित। एक म्यूजियम हॉल मिलेगा, वहां पर ये सभी कुछ आपको पुरानी यादें पत्रों से संबंधित वहां पर मिलेंगे। जैसे अपने KUK में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर अपने हरियाणा का जो हमारे हरियाणा की जो संस्कृति, हमारे हरियाणा की जो सभ्यता है वो है, और जो थी 10-12 साल, 20 साल या 50 साल, ये क्या नाम, 20-30 साल पहले अगर जाएंगे तो आज भी वो बातें, अगर आप वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कभी जाओ तो Gate No. 2 पर ये जो म्यूजियम हॉल मिलेगा आपको, संग्रहालय, वहाँ पे सभी कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे किसान खेत में हल चला रहा है, औरतें जैसे कुएं से पानी निकाल रही बाल्टी के माध्यम से, ठीक है, तो जो औरतें है वे दूध मथ रही है, इस तरीके से वो सभी कुछ ये जो धरोहर के रूप में वहाँ पे सुरक्षित रखा गया कि हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है, हमारे इस देश, इस प्रदेश की जो संस्कृति और सभ्यता वो ऐसी रही है, ठीक है। आने वाले जो युवा पीढ़ी है, आगे जो भी पीढ़ी आएगी वो उसे देखकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसीलिए ये चीजें सुरक्षित रखी जाती है। तो इस तरह से भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को भी पत्र लिखे और वे आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप भी धारण कर लिया उन पत्रों ने, जो अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवार के सदस्यों को पत्र लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से ही लिखे आते थे, और वह जहां भी रहते थे उन तक वो गांधी जी तक वो पत्र अवश्य ही पहुंच जाते थे। और इस तरह से गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते हैं, और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई भी जोड़ नहीं होता था। इस तरह से गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था तो वो उसी समय उसका जवाब लिख देते थे, और अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। इस तरह से पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी है, और वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आपको देखने को भी मिल सकता है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है, और प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर भी देते आए हैं। इसी तरह से नेहरू और गांधी जी के लिखे गए जो पत्र है, और रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक माने गए हैं। ये जो बातें हैं पत्रों से संबंधित बातें इसमें बताई गई है। और इस तरह से पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, और सभी सरकारी विभागों में भी सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही माना जाता है। यह लोगों को जोड़ने का काम भी करता है, और घर घर तक इसकी पहुंच भी होती है, और शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़ियां हो, झोपड़ियों में रहने वाले लोग हो, दुर्गम जंगलों में गिरे गांव हो, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग हो, Thank you.
राजेंद्र तो बच्चा इसे किसी बच्चे की अगर आवाज आए ना आप उसे क्लास से रिमूव कर दो। सर ये गुरप्रीत सिंह है। राजेश सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस बच्चे को रिमूव करो। एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं राजन सर को फोन करता हूँ, आप वेट करो। प्रकार से ये सभी बातें नोट होती है, सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड होता है, वो तुरंत ही रिमूव हो जाएगा, आगे उसकी क्लास भी नहीं लगेगी। एक बच्चा पूरी क्लास में डिस्टरबेंस करता है, क्या तरीका है ये? आप कुछ सीखने के लिए बैठे हो या फिर कुछ? ये सभी अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, गांव या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर जोगिंदर सर अपना माइक एक बार दोबारा ऑन कर लो आप। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? गरीबों गाँव या गरीबों की बस्तियों में जो ये चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जाने वाला डाकिया होता है उसको गांव वाले किस रूप में देखते हैं? देवदूत के रूप में देखते हैं। एक अंक में पूछा जा सकता आपसे, ठीक है? तो पेन पेंसिल साथ में रखना, अध्याय को शुरू करते हैं। ये जो इस अध्याय का सारांश था वो मैंने आपको इसमें बता दिया, वैसे अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा सारांश मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? फिर भी करते हैं इसको अच्छे से। चलिए, पत्रों की दुनिया में अजीबो पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब क्या होता है? अनोखे। लिखते जाना, जो भी कठिन शब्द आएगा उसका अर्थ आप साथ के साथ में लिखते जाना। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम क्या होता है? जो नया होता है, नवीन। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? एसएमएस क्या होता है? जो मोबाइल पर लिखित रूप
लिमिट में रहें। तो आगे चलिएगा, दुनिया भर में रोज करोड़ पत्र एक दूसरे को तलाशते, तमाम तलाशना, तलाशना होता है खोजना, तलाशने का मतलब क्या होता है खोजना। अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा, तलाशते ठिकानों तक पहुंचते हैं, ठिकाना, ठिकाना क्या होता है जगह, स्थान, पता। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, कितनी चिट्ठियां डाली जाती है डाक में, 4.5 करोड़ हर रोज। ये पंक्ति भी आप रेखांकित कीजिएगा, क्योंकि एक अंक में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, अहमियत रखना, महत्व रखना, उसकी वैल्यू होना। आगे चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था। अब ये भी एक अंक में पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में क्या सही कहा था। ये जो पंक्ति हम पढ़ेंगे ये आप उसके उत्तर में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, हजारों सालों तक संचार का साधन, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति पेपर में आ गई, और आपसे ये दो तरीके से पूछा जाए कि ये पंक्तियां नेहरू जी ने किस सन में कही थी, तो इसका जवाब लिखोगे आप 1953, या फिर 1953 में ये पंक्तियां किस महान लेखक ने कही थी, तो आप जवाब लिखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है भाई। ये इस तरीके से घुमा फिरा के आपको से पूछा जा सकता है। तो हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, हरकारे या फिर क्या रहे हैं, तेज घोड़े। हरकारे क्या होते हैं, हरकारे होते हैं दौड़ने वाले होते हैं, जो हरकारे क्या होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, ब्रैकेट्स में दिया हुआ रनर्स, ठीक है। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। सिलसिला क्या होता है, सिलसिला होता है कर्म, सिलसिला क्या होता है कर्म। और हर कार्य को हम अगर एक और तरीके से ले चले ना, तो बिल्कुल आसानी से समझने में आ जाएगा। जो ये भाग भाग कर संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले होते हैं ना, उनको हर कार्य बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में उसे रनर्स बोलते हैं, बस सीधी सी बात यह है। तो तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है, ठीक है। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। विशेष क्या होता है, खास, अहम, ठीक है, प्रयास करना, कोशिश करना। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। और आजकल तो आप देखते भी हो, निबंध ऐसे कॉम्पिटिशन होता है, लेटर कॉम्पिटिशन होता है कि नहीं होता है, स्कूल लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो आजकल तो ये एक तुलनात्मक गतिविधियां होनी शुरू हो गई इनसे संबंधित। आगे चलिएगा, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। ये पंक्तियां आप अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे MCQs में कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये जो पत्र लिखने शुरू हुए थे 16 वर्ष से कम आयु के, और कब शुरू हुए थे, 1972 में ये सिलसिला आयोजित हुआ था, ठीक है। ये आयोजित होना यानी कि क्रियान्वित होना, उसे गतिविधि के रूप में लेके आना, ठीक है। 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास अन्य कारणों से
पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अब खासतौर का मतलब होता है विशेष रूप से, आवाजाही, आवाजाही का मतलब होता है आना जाना, देहाती, देहाती का मतलब होता है गांव के रहने वाले जो लोग होते हैं उनको देहाती बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलिएगा आप, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने, ये आके मात्रा लगा लीजिएगा आपकी पुस्तक में अगर नहीं लगी हुई है, ठीक है। मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे चलिए अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 25। व्यापारिक क्या होता है? व्यापारिक होता है व्यापार करने वाले होते हैं, उद्योग धंधे वाले, ठीक है। और लगातार का मतलब होता है निरंतर। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। बारीकी क्या होता है? बारीकी होता है ध्यानपूर्वक, बेसब्री होता है बेचैनी से। बेसब्री का मतलब क्या होता है? बेचैनी से। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरीभूत घटा दी। परिवहन साधन क्या होता है? आगमन के जो साधन होते हैं, आने जाने के जो साधन होते हैं, मिसाल होता है उदाहरण और उत्सुकता जानने की इच्छा रखने वाले, ठीक है। आगे चलिएगा आप, तो पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, ठीक है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान होता है खोज का, ठीक है। उद्यमी होते हैं जो परिश्रम करने वाले होते हैं। विरासत होता है पूर्वजों से प्राप्त होने वाली जो धन संपत्ति, जो भी चीजें मिली हुई है। और संजोग कर रखना, जोड़ कर रखना, सहज कर रखना, संभाल कर रखना, ठीक है। आगे चलिएगा आप, तो अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। ये पत्र लिखा था उन्होंने, नेहरू जी ने अपनी बेटी को, ठीक है। तो जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। अब देखो, आप अगर मान लीजिए कोई संदेश आपके तक पहुंचता है, अगर वो कागज पर लिखा हुआ है तो उसे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखते हो। एक करंट एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, ताजा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लीजिए आप बिजली बिल है, बिजली बिल आ गया, कुछ लोग तो क्या करते हैं, बिजली बिल ऑनलाइन मोबाइल से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर देते हैं, वो सीधा सरकार का जो भी खाता होता है उसमें तुरंत पहुंच जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाती है। और आपके पास क्या होता है? आपके पास वो उस ट्रांजेक्शन के जो भी स्लिप नंबर वगैरह वगैरह होता है वो आप तक पहुँच जाता, आपके मोबाइल पर आ जाता है मैसेज के रूप में। तो वो उस मैसेज को आप, कुछ लोग तो सुरक्षित रखते हैं, कुछ क्या करते हैं, कभी ये इनबॉक्स ज्यादा ना भर जाए उसे एक दो रोज में या तुरंत ही डिलीट कर देते हैं। और दूसरी बात, अब मान लीजिए वैसे हम भुगतान करते हैं, बिजली बिल का भुगतान करते हैं, ऑफिस में जाते हैं किसी कर्मचारी के माध्यम से, तो उसमें क्या करते हैं, वो हमारे उसमें से वो जो बिल आया उसे फाड़ कर दे देते हैं, एक स्लिप दे देते हैं, उसे हम सुरक्षित रखते हैं अपने पास ताकि आगे भविष्य में काम आएगी। और वो चाहे सालों तक, 10 साल, 20 साल, कितने सालों तक आप उसे सुरक्षित रख सकते हो, लैमिनेशन करा के रख सकते हो, कोई भी चीज़ें, ये बिजली बिल से संबंधित नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काफ़ी लंबे समय तक
सुरक्षित रखते हैं। जैसे और वैसे एग्जांपल बताऊं, ये पत्रों से संबंधित तो है नहीं, जैसे आज मान लीजिए कोई हम पहले बाइक लेते हैं, बाइक खरीदते हैं और वो अच्छी बाइक है, कोई भी बाइक है ठीक है, और कुछ क्या करते हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 15-20 साल पुरानी हो चुकी है, दादा परदादा ने खरीदी और अब उसके पुत्र सुपुत्र जो भी हैं वो उसे प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो उसको मॉडिफाई करा लेते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोगों की आदत होती है अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छे से सुरक्षित रखना, संभाल कर रखते हैं लंबे समय तक यादगार के तौर पे, ठीक है। तो आगे चलिएगा आप, तो अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। अब ये देखिएगा धरोहर क्या होता है। धरोहर होता है पूर्वजों से प्राप्त दाती या अमानत जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? धरोहर, यानी कि जो बहुमूल्य चीजें होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है और उन्हें हम संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, उसको धरोहर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको KUK यूनिवर्सिटी का उदाहरण बताया था, ठीक है। तो आगे चलिए आप, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जाने मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय होता है जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, जहाँ वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है, उसको संग्रहालय बोलते हैं, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं हैं उन्हें एकत्रित करके, अंग्रेजी में इसे म्यूजियम हॉल बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? म्यूजियम हॉल। संग्रहालय का मतलब होता है संग्रह, यानी कि एकत्रित करना, जोड़ना, ठीक है। तो आगे चलिएगा, दुनिया के तमाम संग्रहालय जाने माने हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। संग्राम, संग्राम क्या होता है? युद्ध। और महासंग्राम होता है बड़ा युद्ध, ठीक है, महासंग्राम क्या होता है? बड़ा युद्ध। आगे चलिएगा, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख के आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज क्या होता है? बहुत बड़े, या पुराणों के अनुसार 8 दिशाओं को रोकने वाले 8 हाथी। पुराणों के अनुसार अगर हम दिग्गज का अर्थ ले तो वो जाएगा 8 दिशाओं को रोकने वाले 8 हाथी, उसे दिग्गज बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलिएगा, इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिख के आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के, अगला प्रश्न निकाल लीजिए, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से
लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रस्ति पत्र क्या होता है? सम्मानीय पत्र जो होता है, किसी को सम्मान के रूप में कोई चीज भेंट करना, ठीक है। जैसे वो नहीं है, क्या नाम है, कोई इनाम के तौर पे किसी को कुछ मिल जाता है तो उसे बोलते हैं प्रशंसनीय पत्र होते हैं, तारीफ के योग्य। किसी की तारीफ हुई है तो उसे सम्मान के रूप में कोई चीज मिलती है। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। फ्रेम कराकर रखने का मतलब है लकड़ी या किसी धातु का चौरस आकार बनाकर उसमें संजो कर रख लेते हैं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज होता है जरूरी कागजात जो होते हैं, प्रलेख भी बोलते हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, ये रचनाओं के नाम है, ठीक है। और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक होता है शिक्षक, ठीक है। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना, मुस्तैद उर्दू शब्द है। मुस्तैद रहने का मतलब होता है सतर्क रहना, एक्टिव रहना, सावधान, ठीक है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। लेखा जोखा मिलना, हिसाब किताब मिलना। मनोदशा, मनोदशा का मतलब होता है हालत। मनोदशा का मतलब क्या होता है? हालत। आगे चलिएगा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल क्या होता है? अच्छाई। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है अच्छाई, ठीक है। गुडविल का क्या मतलब होता है? अच्छा या अच्छाई, साख, ठीक है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। हैसियत क्या होता है? औकात। हैसियत का मतलब क्या होता है? औकात। बरकरार रहना, कायम रहना। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, झोपड़पट्टिया क्या होता है? झोपड़िया जो होती है, ठीक है। दुर्गम जंगलों में गिरे गांव हो, दुर्गम में दुर उपसर्ग है और गम मूल शब्द है, ठीक है। तो दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, ठीक है। या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डाणियों में रह रहे लोग। डाणियां क्या होते हैं? डाणियां होती है मार्ग या रास्ते। डाणियां क्या होती है? मार्ग या रास्ते। आप अगर रेवाड़ी से रेवाड़ी की तरफ जाओगे ना, या राजस्थान में, हम तो सीधा कौन से रास्ते पे जाना है, किस मार्ग से जाना है, किस पगडंडी से जाना है, ये उधर क्या बोलते हैं? डाणी। डाणी, ये डाणी किधर जाएगी, ये डाणी कहाँ जाएगी, इस तरीके से बोलते हैं ये डाणी कहाँ जाएगी, ठीक है। डाणी का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। बहुआयामी क्या होता है? अत्यधिक, बहुत ज्यादा।
बहुआयामी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था इससे जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया